दोस्तों, आज हम आपको सात ऐसे छपरी के बारे में बताने वाले हैं जो इस बार बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में आने वाले हैं। नंबर 7, चंद्रिका दीक्षित, रेडी लगाकर लोगों को वड़ा बेचने वाली वड़ा पाव गर्ल डॉट जो इस लिस्ट में है शामिल। आपको बता दें, उनका रियल नाम चंद्रिका ही जो लोगों को नहीं बताती है। चंद्रिका ने वड़ा पाव बेचकर लोगों के दिल में अपनी जगह हासिल की है और अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब में कम वक्त में फेमस हो गई। नंबर 6 है डॉली चायवाला। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिल गेट्स को चाय परोसने के बाद सुर्खियों में आए इंटरनेट सनसनी डॉली चायवाला को बिग बॉस ओटीटी 3 में हिस्सा लेने के लिए संपर्क किया गया है। डॉली ने कहा, जब वड़ा पाव गर्ल को ले रहे हो तो मुझे भी ले लो, दोनों मिलकर दुकान लगाएंगे। बिग बॉस में इस टाइम की इस पूरी रिपोर्ट पर एक नजर डालें तो रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के नागपुर की डॉली चायवाला सलमान खान के रियलिटी शो में हिस्सा लेते नजर आएंगे। बता दें कि डॉली को बिग बॉस ओटीटी 3 में शामिल होने के लिए मेकर्स ने अप्रोच किया है, लेकिन वह सलमान के बिग बॉस 18 में शामिल होना चाहते हैं। बिग बॉस ओटीटी 3 में नहीं, डॉली सोशल मीडिया पर तब सनसनी बन गए जब बिल गेट्स के साथ उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और वह अब एक सेलिब्रिटी बन गए हैं और सोशल मीडिया पर उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। बिल गेट्स को डॉली का चाय परोसने का अंदाज बहुत पसंद आया और उन्होंने उन्हें हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में आमंत्रित भी किया। नंबर 5, सना मकबूल। सना मकबूल का नाम इस लिस्ट में शामिल है। इन्होंने साल 2014 में तेलुगु फिल्म में डेब्यू किया था। सना मकबूल खान को पिछली बार रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में देखा गया था, जो कि साल 2019 में टेलीकास्ट हुआ था। अब 3 साल बाद वह बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 से टीवी पर वापसी कर रही हैं। 4 साल पहले की बात है। सना ने सोशल मीडिया पर बताया था कि उनके चेहरे पर एक डॉगी ने काट लिया था, जिसके बाद उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। उन्हें जिंदगी भर का ऐसा दर्द मिला कि वह कभी उन जानवरों से प्यार नहीं कर पाएंगी जिन पर वह जान छिड़कती थी, बल्कि उन्हें डॉग्स से नफरत तक हो गई और इस दौरान वह मानसिक तनाव से भी गुजरी थी। सना कितनी मोहब्बत है, इस प्यार को क्या नाम दूं अर्जुन। आदत से मजबूर और खतरों के खिलाड़ी 11 में देखा जा चुका है। नंबर 4, सोनम खान। इस लिस्ट में चौथा नाम सोनम खान का है, जो बिग बॉस के घर से एक बार फिर कमबैक करने जा रही हैं। सोनम ने 1987 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्होंने गोविंदा, जैकी श्रॉफ जैसे एक्टर्स के साथ काम किया है। लगभग 30 साल बाद एक बार फिर एक्ट्रेस इंडस्ट्री में वापसी करने जा रही है। नंबर 3, सना सुल्तान। इस बार बिग बॉस के घर का हिस्सा सना सुल्तान भी बनेंगी। वह मिलिंद गाबा के कपल और बीप रॉक के रूहे दारिया में नजर आ चुकी है। सना सुल्तान पंजाबी इंडस्ट्री की फेमस अदाकारा है, जो कई म्यूजिक वीडियोज में नजर आई है। दोनों ही हसीनाएं स्टाइल के मामले काफी आगे हैं, जैसा कि उनकी तस्वीरों में साफ देखने को मिल रहा है। ब्लैक ड्रेस में सना किलर अदाएं दिखा रही हैं, तो पिंक मिनी ड्रेस में सुल्तान ने बार्बी डॉल का ही रूप ले लिया है। नंबर 2, सागर ठाकुर। सागर ठाकुर एक यूट्यूबर हैं, वह भी इस बार बिग बॉस ओटीटी 3 का हिस्सा बनेंगे। आपको बता दूं, इनका नाम यूट्यूब में गनमैन के नाम से है। कुछ दिनों पहले यह फेमस हुए थे क्योंकि एल्विस भैया ने चांटे लगा दिए थे। उस चांटे की बदौलत आज वह टीवी में नजर आएंगे। ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है सोशल मीडिया में और काफी सारे न्यूज आर्टिकल में भी। नंबर 1, अंजुम फकीह। एक था राजा, एक थी रानी और कुंडली भाग्य में नजर आ चुकी एक्ट्रेस अंजुम फकीह शो में नजर आएंगी। कुछ समय पहले रिपोर्ट्स आई थी कि कुंडली भाग्य एक्ट्रेस अंजुम फकीह ने बिग बॉस और टीटी 3 को साइन कर लिया था। अब हमारे सूत्रों से पता चला है कि एक्ट्रेस को शो के लिए संपर्क किया गया था और यहां तक कि पुष्टि भी की गई थी। हालांकि वह इस साल के कॉन्सेप्ट में फिट नहीं बैठी और यही वजह है कि मेकर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, इसलिए अंजुम अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। अब तक एक्ट्रेस की तरफ से इस मामले पर कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है।